सुप्रभात, मैं हूं महक। टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नजर। भारत ने पार किया 90 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। एक दिन में लगाई गई 65 लाख से ज्यादा डोजें। धान खरीद में देरी पर किसान का गुस्सा फूटा। सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई मंत्री और विधायकों के घर का किया घेराव। पीएम के तोहफे की ई नीलामी का तीसरा दौर, अब तक 1348 की लग चुकी है बोली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, लक्षद्वीप की मुस्लिम आबादी की देशभक्ति पर कोई संदेह करने का साहस नहीं कर सकता। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोयला प्रदूषण के कारण 9 साल में दोगुनी हो सकती है मौत की संख्या। सीएम योगी को चुनौती देंगे सीएम भूपेश बघेल, मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। भारतीय महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया में मचाया गदर, स्मृति का रिकॉर्ड तोड़ शतक। रणवीर सिंह की 83 की पुष्पा द राइस से क्लैश टली, क्रिसमस से पहले होगी रिलीज। चीन ने बनाया 42 फुटबॉल ग्राउंड बराबर कोविड क्वारंटीन सेंटर, होटल के बजाय विदेशियों को यहां ठहराया जाएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। रहें सुरक्षित और सतर्क।